हम लोग लड़के लिए हैं अलग राज। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग आंदोलनकारी है। धनबाद जिला का तमाम आंदोलनकारी मुख्यमंत्री का समझ स्थापना दिवस में हम लोग उसके समझ हम लोग भिक्षाटन करेंगे। हम ही लोग चलते गद्दी में हैं, आज हम लोग लड़े मरे हरें जो भी, आज उसके चलते हम लोग पढ़ लिख नहीं सके। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संयोजक जगत महतो ने अभी हाल में मुख्यमंत्री को पत्र देकर इन आंदोलनकारियों के 3 महीने के बकाया पेंशन की मांग को लेकर एक पत्र लिखा। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से जो भी आंदोलनकारी है उनको पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, और ऐसे में लगातार तमाम अभी त्यौहार थे और आने वाले वक्त में भी दीपावली है, जिसे लेकर इन लोगों के सामने अब आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस मामले को लेकर आइए हम इन लोगों से बातचीत करते जानते हैं कि क्या है इनकी समस्या और पत्र लिखने के बाद क्या वहां से अब तक इन लोगों को इसके बारे में कुछ भी अवगत कराया गया है। हमारे साथ इस वक्त झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के राज्य संयोजक जगत महतो एम, सीधा उनसे बातचीत करते जानते हैं कि क्या इन लोगों की मांग है और क्या समस्या आपसे जानना चाहेंगे। एक तरफ झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि अलग राज्य जो बना है झारखंड आंदोलनकारी का ही देन है अलग राज। हम लोग लड़के लिए हैं अलग राज। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग आंदोलनकारी है। 3 महीना से हम लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा, 3 महीना से हम लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा। आंदोलनकारी अभी तक जितने भी आंदोलनकारी साथी लोग हैं कोई शारीरिक रूप से फिट नहीं है, सब बीमार है, तबीयत खराब है, उसका घर का हालत बहुत दयनीय है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। और वैसे लोगों के साथ आज सीएम साहब इस तरह व्यवहार कर रहा है। 3 महीना हो गया, हाल फिलहाल दुर्गा पूजा हुआ, हाल फिलहाल में काली दीपावली है, छठ पूजा है, आदिवासी काली पूजा के बाद आदिवासी लोग बदना पर्व करता है, उन लोगों का सबसे बड़ा पर्व जिसे हिंदुओं का दशहरा है वैसे आदिवासी लोगों का बहुत बड़ा पर्व है दशहरा, ऐसी बदना पर्व। आज उन लोग भी पैसा से वंचित हो, इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि 15 नवंबर स्थापना दिवस जिस दिन है तब तक हम लोगों को जितना भी आंदोलनकारी है कम कम सभी को पेंशन भुगतान किया जाए। और हम लोगों का बहुत से आंदोलनकारी को परिचय पत्र आय सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उन लोगों का भी परिचय पत्र दिया जाए और आंदोलनकारी को सम्मान किया जाए, नहीं तो हम लोग बाध होकर धनबाद जिला के तमाम आंदोलनकारी मुख्यमंत्री का समझ स्थापना दिवस में हम लोग उसके समझ हम लोग भिक्षाटन करेंगे। हम लोग के पास एक ही रास्ता बचा है, भिक्षाटन करेंगे उनको समझ में, रांची में, मोरहाबादी मैदान में, उनका निवास स्थान पर। हम लोग धनबाद जिला में कम से कम 172 आंदोलनकारी है पेंशन धारी, और पूरे प्रदेश में कम से कम 6 से 7 हज़ार, 6-7 ने अभी बहुत आदमी को बहुत सा जिला को पेमेंट नहीं मिला, कुछ कुछ जिला को मिला है, जैसे हमारा धनबाद जिला में अभी तक 3 महीना हो गया नहीं, कल भी हम लोग लिख करके दिए, डीसी साहब बोला अभी तक पैसा अलॉटमेंट आ गया, पैसा आ गया है, मैंने भुगतान का आदेश नहीं आया है। इसके चलते क्या पैसे आंदोलनकारी पेंशनधारी आंदोलनकारी हम लोग जिम्मेवार है, इसके लिए डीसी साहब पहल करे, समय रहते सबको भुगतान करे, स्थापना दिवस के पहले तक हम लोग को भुगतान कर दे, और हम लोग स्थापना दिवस 15 नवंबर को स्थापना दिवस के उस दिन हम लोग आंदोलनकारी को कम से कम सम्मान दे बस। आप लोग की मांग है या तो पेंशन या तो सम्मान? नहीं, पेंशन सम्मान सब, हाँ सब दोनों है। झारखंड राज्य तो 2000 से हम लोग को पेंशन मिलना चाहिए, 2015 से मिल रहा है, बहुत दुख की बात है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। आज हम ही लोग चलते गद्दी में हैं, आज हम लोग लड़े मरे हरें जो भी, आज उसके चलते हम लोग पढ़ लिख नहीं सके, ना नौकरी चाकरी से दूर है, कम से कम पेंशनों में वंचित कर रहा है, तो कम से कम 3.5 है तो कम से कम नहीं हो तो 15,000 हम लोग को देना चाहिए, कम से कम 500 रुपये अभी के हिसाब से। हम लोग तो उससे ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को परिवार चले, सब घर में जितना भी आंदोलनकारी सब बीमार है, सब तो मैंने उम्र हो गए हैं, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई, अब हम लोग को तो उससे कुछ होगा ही नहीं। यही सरकार से मांग है कि हम लोग को
पेंशन बढ़ाया जाए और 15 नवंबर को हम लोग को सम्मानित किया जाए, हम लोग को कार्ड दिया जाए, कहीं भी जैसे आने जाने में सुविधा हो, बस में आधा भाड़ा, ट्रेन में आधा भाड़ा, हॉस्पिटल में भी व्यवस्था किया जाए, दवा दारू हम लोग को फ्री मिलना चाहिए हॉस्पिटल में। तो बिल्कुल आपने सुना, इन लोगों ने बताया कि पिछले 3 महीने से इन लोगों को पेंशन नहीं मिला है, जिसे लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री को फिलहाल पत्र लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी मांग की है कि 15 नवंबर को वो सभी जो आंदोलनकारी है उन लोगों को सम्मानित भी किया जाए, क्योंकि अलग राज्य होने में इन लोगों की काफ़ी अहम भूमिका है। इसके अलावा इन लोगों ने ये भी मांग किया है कि पेंशन में वृद्धि हो, यानी कि जो पेंशन अभी मिल रहा है ऐसे में इनके सामने थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि पेंशन का अमाउंट ज़्यादा नहीं है, तो पेंशन में वृद्धि हो। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से झारखंड राज्य 2000 में अलग हुआ था, लेकिन पेंशन इन लोगों को काफी बाद से 2015 से मिलना शुरू हुआ, जबकि इन लोगों को 2000 से ही जो है वो पेंशन मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। तो इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर जितने भी आंदोलनकारी हैं अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखा है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से इन लोगों की जो मांग है उस पर कब तक एक निष्कर्ष निकलता है या आश्वासन मिलता है। इन लोगों की मांग है कि जो बकाया पेंशन है वो इनको दिया जाए, पेंशन में वृद्धि हो, साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि इन लोगों को जितने भी आंदोलनकारी हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाए। अब देखते हैं कि क्या कुछ असर होता है और क्या दीपावली से पहले इन लोगों को इनका पेंशन मिल पाता है। इस तरह के तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शाम भवी सिंह, द न्यूज़ पोर्ट धनबाद।